मुझे प्रमोशन चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रेस और परफॉर्मेंस की। कुछ लोगों का मानना है कि हम काम का स्ट्रेस लेंगे, काम का प्रेशर लेंगे तो मानसिक तकलीफ हो जाएगी और हमारा परफॉर्मेंस नहीं होगा। चलिए इस विश्वास को दूर करते हैं। दो शब्द हैं, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस। बिना स्ट्रेस के परफॉर्म करना हमारे लिए संभव नहीं है। साधु संत के लिए संभव है, लेकिन शायद हम साधु संत की कैटेगरी में नहीं आते। स्टूडेंट्स पर, विद्यार्थियों पर जब एग्जाम का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। लो स्ट्रेस, लो परफॉर्मेंस। रीजनेबल मॉडरेट स्ट्रेस, हाई परफॉर्मेंस। वेरी हाई स्ट्रेस, अगेन नो परफॉर्मेंस। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का रिलेशन, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का संबंध हम इन्वर्टेड यू से देख सकते हैं। यदि स्ट्रेस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। आलस है, लेथार्जी है, पेट में आग नहीं है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन नहीं है। अचीव करना है तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, मॉडरेट लेवल पर, रीजनेबल लेवल पर। मेरा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रेस से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, स्ट्रेस से मुझे डायरेक्शन मिलेगा। एक बात और है, यदि स्ट्रेस बढ़ता गया, यदि स्ट्रेस को हमने कंट्रोल नहीं किया, यदि स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, तो स्ट्रेस काफी बढ़ेगा। स्ट्रेस काफी बढ़ेगा तो सिग्नल्स मिलेंगे, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक डिस्कम्फर्ट होगा, शारीरिक अस्वस्थता होगी और मानसिक अस्वस्थता होगी। वहां पर हमने संभलना चाहिए। यदि स्ट्रेस रीजनेबल लेवल से, स्ट्रेस मॉडरेट लेवल से ऊपर चला गया तो हमारा परफॉर्मेंस फिर डाउन होगा, क्योंकि हम अपना मानसिक संतुलन पर कंट्रोल खोएंगे। जो लोग कंफर्ट जोन में हैं, जो लोग आराम के मैदान में हैं, वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेते। जो लोग लड़ाई के मैदान में हैं, वो रीजनेबल स्ट्रेस लेते हैं। और जो लोग मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। आज आप स्टडी करें, आपका स्ट्रेस लेवल कहां पर है। यदि आपका स्ट्रेस लेवल आपको परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल है, तो उतना स्ट्रेस लेवल में रहना जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि आप बिना स्ट्रेस लिए, बिना मानसिक दबाव लिए बहुत आराम से परफॉर्म कर लेंगे, तो मेरे विचार से शायद ये असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। यहां पर हम और एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्राइस पेमेंट। यदि मुझे अचीव करना है तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मैं वक्त में चुकाऊं, मैं रिलेशनशिप में चुकाऊं, हेल्थ में चुकाऊं, या किसी और रूप में चुकाऊं। बट यदि मुझे हाई परफॉर्मेंस देना है, यदि मुझे ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस, कहीं ना कहीं त्याग मुझे करना पड़ेगा। जो लोग आराम के मैदान में हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते, जिनका परफॉर्मेंस लो है, उनको लगता है कि वो कीमत चुका नहीं रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज वो कोई कीमत चुका नहीं रहे हैं, लेकिन लंबी सोचें, लंबे समय में उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके विपरीत हम अपनी बात करें, अचीवर्स की बात करें, कम्बैट जोन में रहने वालों की बात करें, तो हमें लगेगा कि हम कीमत चुका रहे हैं, लेकिन जो कीमत हम चुका रहे हैं उसका मूल्य
प्रोफेशनल ग्रोथ में मिलेगा, लंबे समय में मिलेगा, हमारा प्रोफेशनल डीजेनरेशन नहीं होगा और हम नेक्स्ट जेनरेशन को कुछ दे पाएंगे, हम अपनी लेगेसी छोड़ पाएंगे। जो लोग लड़ाई के मैदान में हैं हमेशा लंबी सोचते हैं। दुनिया को लगेगा कि आप प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कीमत चुका रहे हो। ये शॉर्ट टर्म व्यू होगा, लॉन्ग टर्म व्यू आपके अचीवमेंट का होगा, लॉन्ग टर्म गेन्स का होगा। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।